पे नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, लेकिन स्नोफॉल होना शुरू हो चुका है। सो फ्रेंड्स, हियर वी आर एट खारदुंगला हाईएस्ट मोटरेबल रोड। सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन। हम लोग इस वक्त निकल चुके हैं नूबरा के लिए, लेकिन पहले जा रहे हैं खारदुंगला। खारदुंगला होते हुए हम नूबरा जाएंगे, तो वो सामने की पहाड़ियों में है खारदुंगला पास, जो वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड है। तो देखते हैं कितनी देर में पहुंच पाते हैं, क्योंकि पावर ड्रॉप बहुत ज्यादा है बाइक के अंदर अभी से ही, और ठंड भी बहुत ज्यादा लग रही है। तो देखते हैं कब तक पहुंच पाते हैं हम लोग खारदुंगला टॉप। और मैक्स 10 मिनट, उससे ज्यादा रुकना नहीं है हमको वहां पे, क्योंकि ऑक्सीजन काफी कम होती है जो नुकसानदायक हो सकती है इसलिए। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase. पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, लेकिन स्नोफॉल होना शुरू हो चुका है। हमने अभी थोड़ी देर पहले साउथ पुलू क्रॉस किया है, चेकपोस्ट पे अपना नाम लिखवाया है, और अब आगे बढ़ रहे हैं खारदुंगला के लिए। और स्नोफॉल शुरू हो चुका है और गाड़ी का पिकअप बहुत ज्यादा ड्रॉप हो चुका है, बहुत ज्यादा, और ठंड भी बहुत ज्यादा हो चुकी है। मैंने रेनकोट पहना है, उसके अंदर अपना जैकेट पहना है, जैकेट के अंदर मेरा थर्मल लाइनर, रेन लाइनर, उसके अंदर मेरी टी शर्ट के अंदर मेरा थर्मल इनरवेयर, फिर भी ठंड बहुत लग रही है। और हाथ पे लगभग समझ लो सुन पड़ गए। अब थोड़ी धूप मिल जाए तो मजा आ जाए, थोड़ी राहत मिले, लेकिन उम्मीद भी लगी कि धूप मिलेगी। लिटरली गाड़ी का थ्रॉटल पूरा खुला हुआ है, लेकिन बिल्कुल दिक्कत नहीं है गाड़ी में, और एक्सीलेटर को पूरा खोल दिया है, लेकिन गाड़ी बिल्कुल नहीं चल रही। लेट होप सो खारदुंगला पहुंच जाऊं। फ्रेंड्स, हियर वी आर एट खारदुंगला हाईएस्ट मोटरेबल रोड, और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं नूबरा के लिए। और बहुत ठंड है यार, लिटरली आइस पड़ी हुई है सब तरफ, आप देख सकते हो, और हल्का सा एक्लोमेटाइजेशन का असर लग रहा है, हल्का सा सर्दक सा मेरा, हल्का सा बिल्कुल। तो प्रोबेबली नीचे पहुंचते शायद सही हो जाए, और बोलते ही नहीं बन रहा है ठंड के चक्कर में, और मेरे स्पेक्स टूट गए, ये एक नुकसान हो गया यहाँ मेरा आने के बाद।
fathom to see the horizon. Turn us to thousands, and we'll grow in number. Fueled by fathom to see the horizon. Turn us to thousands. तो फ्रेंड्स काफ़ी देर हो गई हमको चलते हुए, लगभग हमने 100 किलोमीटर का डिस्टेंस तो कवर कर ही लिया है और हम जा रहे हैं नूपुरा वैली की तरफ। और आज हमारा स्टे जो होगा वो होगा हंडर में, हंडर एप्रिकॉट कैंप स्टे। तो नज़ारे बड़े खतरनाक है, बड़े अच्छे खतरनाक मतलब रोड है, नज़ारे अच्छे। हम काफ़ी देर से ऐसे ही रोड पर गाड़ी चला रहे हैं, रोड पतला भी है। सो फ्रेंड्स हम लोग खारदुंगला पास से निकल के आ चुके हैं नूपुरा वैली के अंदर। ये पूरा हिस्सा जो आप देख रहे हो ये पूरा का पूरा नूपुरा वैली कहलाता है, और जो रिवर बह रही है ये वाली, ये नूपुरा रिवर है, ठीक है। अब हम लोग जा रहे हैं हंडर की तरफ, जो हमारा आज का स्टे रहेगा वहाँ पे हंडर एप्रिकॉट कैंपिंग के अंदर, जो यहाँ से नियरली 30 किलोमीटर्स है। तो सोचा कुछ फोटोज़ लेने के लिए रुक जाएं, मैं भी आपको यहाँ का एक 360 व्यू दिखा देता हूँ और कुछ फोटोज़ शेयर कर देता हूँ कि कैसी है ऑल नूपुरा वैली। सुंदरता अच्छी है। अब रात में देखते हैं, आज बादल हैं तो शायद स्टार्स ना दिख पाएँ, नहीं तो यहाँ से स्टार गेजिंग बहुत अच्छी होती है। तो चलिए मैं आपको यहाँ का एक 360 व्यू दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स हेयर वी रीच दी हंडर एप्रिकॉट कैंपिंग, और हालत बहुत बुरी हो रही है, देख रहे होगे बाल कैसे हो गए सब, वो एडजस्ट करते हैं इतना लंबा राइड करके आ रहे हैं। तो चलिए मैं दिखाता हूँ कि आज कैसे टेंट्स में हम लोग रुकने वाले हैं। अभी लाइट नहीं है तो इतना क्लियर नहीं दिखेगा, लेकिन फिर भी काम चलाओ तो दिख ही जाएगा। सबसे पहले तो आप ये व्यू देखो, ये व्यू है यहाँ से पूरा, ऐसे टेंट्स लगे हुए हैं। तो ये टेंट में अगर हम एंटर हों तो ऐसा बेड है, अभी लाइट नहीं है तो इसलिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है, नहीं दिखेगा प्रॉपरली, ठीक है। और यह है वॉशरूम, ठीक है। दूसरे तो ये है पूरी कैंपिंग। सो फ्रेंड्स हम लोग अब आ गए हैं अपना डिनर करने, शाम को कहीं घूमने नहीं गए, बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी। मतलब हिम्मत क्या, आज बातें चलती रही, डिस्कशन होता रहा, तो हम लोग आपस में बैठ के वही सब बातें करते रहे, काफी अच्छा टाइम है, ठंड भी बहुत ज्यादा है, 3 डिग्री। तो अभी हम लोग आए थे डिनर करने अपना, तो अक्षत दिखाने वाला है कि आज डिनर में क्या है, तो चलिए वो दिखाते हैं। मुझे भी तो देखना तो है क्या, पनीर है, पालक पनीर, मिक्स वेज, दाल है, चावल है, और माउंट चाउन, ये सूप है, है ना, सभी सूप है, माउंट चाउन, चलो, और ये सैलेड है, पापड़ है, सर चाय भी है, चाय है, मे भी, रात में चाय, चाय नहीं होगी यार, रखा होगा कंटेनर पहले, ओके।